नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रुपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। मरुधरा की धारा में पिछले 5 दिनों से मचे सियासी दंगल के बीच जैसे सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल बने हुए हैं, ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए वसुंधरा भी बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से मौजूदा सियासी संकेत मिल रहे हैं उससे साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति ठीक वैसी ही होने वाली है जैसी अभी मौजूदा कांग्रेस में है। क्योंकि सचिन पायलट के पास एक विकल्प ये भी शेष है कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, और यदि वास्तव में सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो स्थितियां कैसी बनेंगी, देखिए आप हमारी खास रिपोर्ट में। राजस्थान का सियासी ड्रामा अभी जारी है क्योंकि पायलट ने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं, लेकिन गहलोत पायलट सहित पूरे बागी कुनबे पर अंतिम ब्रह्मास्त्र छोड़ चुके हैं। लेकिन इन्हीं सबके बीच अगर सबसे बड़ी चर्चा है तो वो ये है कि अब पायलट क्या करेंगे। आपको बता दें कि पायलट के पास एक विकल्प भाजपा में शामिल होना भी है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अभी जो कलह कांग्रेस के कुनबे में मची है वही कलह भाजपा में भी मच जाएगी, क्योंकि पायलट को मुख्यमंत्री से कम कुछ भी मंजूर नहीं, लेकिन भाजपा में पहले से ही मुख्यमंत्री की पंक्ति बड़ी लंबी चल रही है। वसुंधरा राजे गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य कद्दावर नेता पहले ही इस फहरिस्त में शुमार हैं। लेकिन अगर पायलट भाजपा का दामन थामते हैं तो ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए वसुंधरा राजे एक बड़ी चुनौती बन जाएंगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में अभी राजे के पास तकरीबन 45 से 50 विधायक हैं, लिहाजा नंबर गेम में वसुंधरा भी अपना अच्छा सियासी वजूद रखती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या फिर पायलट को भाजपा के नेता अपना सर्वमान्य नेता स्वीकार कर पाएंगे। खैर, अभी तक इस पूरी सियासी उठापटक पर वसुंधरा राजे चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि शायद वो अभी वेट एंड वॉच कर रही हैं। लेकिन सियासी पंडित बताते हैं कि राजस्थान की सियासत की हर हलचल उनके बगैर अधूरी है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा मुख्यालय में प्रदेश के शीर्ष नेताओं की एक बैठक बुलाई गई थी जिसे एन वक्त पर टाल दिया गया, लेकिन फिर भी अनौपचारिक रूप से बैठक आयोजित हुई जिसमें नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया सहित अन्य नेता पहुंचे, लेकिन वसुंधरा कहीं नजर नहीं आई। जिस पर कटारिया ने कहा कि वसुंधरा राजे से लगातार बात चल रही है, उन्होंने कहा कि कुछ जरूरत होगी तो वो तुरंत आ जाएंगी। वसुंधरा जी का क्या पूरे मामले पे स्टैंड है, आपने अभी बताया आपकी बातचीत हुई? वो जब भी पार्टी की बैठक होगी मैंने उनसे बात की, वो आएगी, बैठेंगे, सबके साथ चर्चा होगी। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे भाजपा में मुख्यमंत्री पद की आज भी सबसे प्रबल दावेदार मानी जाती हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मोदी और शाह की नापसंद के बाद भी विधानसभा चुनाव वसुंधरा के चेहरे पर ही लड़ा गया। कुल मिलाकर सिर्फ फुटव्वल की स्थिति ना सिर्फ कांग्रेस में है बल्कि भाजपा भी कुछ ऐसे ही हालातों का सामना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि किस तरीके से यदि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो कैसी स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। इसी के साथ साथ वसुंधरा राजे किस तरीके से आक्रामक रुख अख्तियार कर सकती हैं, क्योंकि ये वही वसुंधरा राजे हैं जिन्हें मोदी और शाह की नापसंद के बावजूद हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा बनाया था। वहीं जब बात प्रदेश अध्यक्ष की थी तब भी वसुंधरा राजे ने भी खूब पेच अटकाए थे, लिहाजा कहीं ना कहीं ये एक बड़ी मुश्किलात जैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में बन सकती है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक नई दिलचस्प हलचल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।